आज हमने किया उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 31,49,759 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 61,408 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 836 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का आंकड़ा बढ़कर के 58,317 पहुंच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना के 412 नए मरीज सामने आए हैं। तो राज्य में सोमवार को कोरोना के 412 नए मरीज मिले, जबकि 7 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। अभी तक राज्य में कुल मरीजों की संख्या 15,529 पहुंच गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 207 पहुंच गया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार हरिद्वार में 131, उधम सिंह नगर में 124, दून में 27, चमोली में 3, चंपावत में 2, नैनीताल में 66, पौड़ी गढ़वाल में 10, टिहरी में 25, उत्तरकाशी में 22, बागेश्वर व रुद्रप्रयाग में 1-1 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। जबकि एम्स ऋषिकेश में 3, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में 3 व देहरादून मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक मरीज की मौत हो गई। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 15,529 हो गई है। वहीं 10,967 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 4,355 केस एक्टिव हैं, 207 लोगों की मौत हो गई। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 3,012, नैनीताल में 2,216, टिहरी गढ़वाल में 858, हरिद्वार में 3,792, उधम सिंह नगर में 3,079, पौड़ी गढ़वाल में 402, अल्मोड़ा में 416, बागेश्वर में 203, चमोली में 244, पिथौरागढ़ में 229, रुद्रप्रयाग में 177, उत्तरकाशी में 657, चंपावत में 244। तो टोटल मामले 15,529 हो गए हैं। फिलहाल सोनिया को ही कमान, तो कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान फिलहाल सोनिया गांधी के हाथों में ही रहेगी। कांग्रेस कार्यसमिति की सोमवार को 7 घंटे चली मैराथन बैठक के बाद सर्वसम्मति से इस निर्णय पर मुहर लगाई गई है। लद्दाख पर चीन से वार्ता विफल रही, तो सैन्य विकल्प खुले। तो भारत ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में सेना को वापस बुलाने पर टाल मटोल कर रहे चीन को कड़ी चेतावनी दी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने सोमवार को कहा कि अगर दोनों देशों के बीच सैन्य और राजनयिक स्तर पर वार्ता विफल रहती है तो चीन से निपटने के लिए सैन्य विकल्प भी खुले हुए हैं। पहाड़ी जिलों में भी तैनात होगी सीपीयू। तो अब सीपीयू प्रदेश के पहाड़ी जिलों में भी तैनात होगी। इसकी शुरुआत पौड़ी और अल्मोड़ा से की जाएगी। इसके बाद अन्य जिलों में भी सीपीयू को तैनात किया जाएगा। दून में पुलिस का एएसआई बच्ची से दुष्कर्म में गिरफ्तार। तो पुलिस ने बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में पुलिस के एक सहायक उप निरीक्षक को गिरफ्तार किया गया है। डीआईजी अरुण जोशी मोहन जोशी ने बताया कि कंट्रोल रूम 112 में तैनात मेन बाजार बड़कोट उत्तरकाशी निवासी एएसआई संजीव जगोड़ी शहर कोतवाली क्षेत्र में परिवार के साथ ससुर के सरकारी मकान में रह रहा था। पड़ोस के मकान में एक दिव्यांग परिवार रहता है। आरोप है कि 23 अगस्त को एएसआई ने घर के पीछे शौचालय में घुस करके पड़ोस में रहने वाली 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया। बच्ची की मां की तहरीर पर एएसआई के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में दुष्कर्म का केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। विधायक चैंपियन की भाजपा में वापसी, कर्णवाल को माफी। तो अनुशासनहीनता के मामले में भाजपा से निकाले गए खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को पार्टी में वापस ले लिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत ने अपनी यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर इसकी घोषणा की और चैंपियन को माला पहनाई। इस दौरान चैंपियन अपने परिवार के साथ मौजूद थे। जेसपी और पोकलैंड पर गिरी चट्टान, 3 की मौत। तो खबर आई है ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर सिंगटाली के समीप रविवार देर रात जेसीपी और पोकलैंड मशीन के ऊपर चट्टान गिरने से 3 ऑपरेटरों की मौत हो गई। एसडीआरएफ और पुलिस ने सोमवार सुबह मशीन के नीचे से उनके शव निकाले। मृतकों में एक बिजनौर और 2 पंजाब के रहने वाले हैं। वन रैंक वन पेंशन पर केंद्र ने कुछ नहीं किया, कहना गलत होगा सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया कि वन रैंक वन पेंशन पर केंद्र सरकार गंभीर नहीं है। सिर्फ शीर्ष अदालत ने कहा कि अब तक सरकार ने जो कदम उठाए हैं उन्हें देख करके यह नहीं कहा जा सकता कि अब तक इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ है। जेई व नीट कराने के विरोध में आए कई राज्य और पार्टियां, तो दिल्ली बंगाल समेत कई राज्यों की केंद्र को चिट्ठी। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जेई और नीट निर्धारित समय से ही कराने के विरोध में छात्रों के साथ ही अब कई राज्य और राजनीतिक दल भी उतर आए हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी परीक्षाओं स्थगित कराने को लेकर के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखा है।
पहली सितंबर से चल सकती हैं। मेट्रो स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे। तो केंद्र सरकार के अनलॉक 4 के तहत पहली सितंबर से मेट्रो ट्रेन सेवाओं को शुरू करने की अनुमति दे सकती है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला राज्य अपने अपने यहां महामारी की स्थिति के हिसाब से लेंगे। इसके अलावा अभी निकट भविष्य में स्कूल कॉलेजों के खुलने की कोई संभावना नहीं है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि सिनेमाघरों को भी फिलहाल नहीं खोला जाएगा। सरकार इस हफ्ते अंत तक अनलॉक 4 के दिशा निर्देश जारी कर सकती है। अधिकारियों ने बताया कि अनलॉक 4 में अब तक बंद रखे गए बार को भी खोलने की तैयारी है। हालांकि यहां बैठकर के शराब पीने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें टेक अवे प्रणाली के से चलाने में छूट दी जा सकती है। एक अधिकारी ने बताया कि स्कूल कॉलेजों को तुरंत नहीं खोला जाएगा, लेकिन उच्च शिक्षण संस्थान जैसे विश्वविद्यालय, ITI और IIMS को खोलने पर गंभीर चिंतन जारी है। इस पर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया। वहीं सिनेमा घरों को खोलना भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना फिल्म निर्माताओं और थिएटर मालिकों के लिए महंगा पड़ सकता है, लिहाजा अभी इन्हें चालू नहीं किया जाएगा। पदोन्नति व सेवा नियमावली में हिला हवाली पर नपेंगे अधिकारी। तो पदोन्नति देने और सेवा नियमावली बनाने में हिला हवाली करने वाले विभागाध्यक्ष और अधिकारियों पर शासन कड़ी कार्रवाई करेगा। मुख्य सचिव की ओर से इस संबंध में जल्द ही विभागाध्यक्षों को एक कड़ा पत्र जारी किया जाएगा। वहीं खबर आई है सचिवालय में बैठक के लिए नई व्यवस्था। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया ई मीटिंग सॉफ्टवेयर का शुभारंभ। तो ई मीटिंग सॉफ्टवेयर का एक पोर्टल emeeting.uk.gov.in बनाया गया है। ई मीटिंग तकनीकी से बैठक का एजेंडा एवं कार्य वृत्त ऑनलाइन स्टोर होंगे। चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी। तो चतुर्श्रेणी के राज्य कर्मचारी संघ ने पदोन्नति समेत अन्य मांगों को लेकर के आंदोलन की चेतावनी दी है। 5 IAS विभागों में फेरबदल, 2 का तबादला किया गया है। तो शासन ने सचिवालय में तैनात 5 IAS अफसरों के विभागों में फेरबदल कर दिया, जबकि 2 डिप्टी कलेक्टरों को का तबादला किया गया है। एक ने की सेवा समाप्त, दूसरे ने 2 दिन बाद किया बहाल। तो शिक्षा विभाग के अफसरों में आपसी तालमेल नहीं होने का नया मामला सामने आया है। विभाग ने एक उप शिक्षा अधिकारी ने अमान्य डिग्री के आधार पर जिस शिक्षक को की सेवा समाप्त कर दी थी, उसे 2 दिन बाद मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बहाल कर दिया। राज्यों के बीच आवाजाही पर सस्पेंस, तो सोमवार को भी जारी नहीं हुआ SOP। CM ने कहा परिस्थिति के आधार पर लेंगे फैसला। तो अनलॉक 4 में राज्यों के बीच आवाजाही में और अधिक ढील के लिए लोगों और उद्योगों को अभी इंतजार करना पड़ सकता है। सोमवार को सचिवालय में मीडिया से मुखातिब मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देश का अध्ययन किया जा रहा है। राज्य की परिस्थितियों के आधार पर ही फैसला लिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2 दिन पहले ही राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा था कि कई राज्य आवाजाही के मामले में गैर जरूरी प्रतिबंध लगा रहे हैं। अनलॉक 3 में उद्योगों के माल या व्यक्तियों की आवाजाही पर कोई रोक टोक नहीं है। प्रतिबंध होने के कारण उद्योगों और व्यक्तियों को भी परेशानी हो रही है। गृह मंत्रालय को भी इसकी शिकायतें मिल रही हैं। यदि राज्य में किसी तरह के प्रतिबंध हैं तो उन्हें तुरंत हटाया जाए। इस पत्र के बाद राज्य सरकार ने कहा कि जिलों के लिए अलग से SOP जारी की जाएगी। माना जा रहा था कि SOP सोमवार को जारी हो सकती है, लेकिन देर रात तक ऐसा नहीं हो पाया। सहकारिता अधिनियम के तहत बनाए जाएंगे प्रदेश में किसान उत्पादक संगठन। तो केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण किसान उत्पादक संगठन योजना में संगठनों का गठन प्रदेश की सहकारिता अधिनियम के तहत करने का फैसला लिया गया है। 1 सितंबर से इनके गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड बोर्ड हाई स्कूल के छात्रों को बांटे गए त्रुटिपूर्ण अंक पत्र। तो उत्तराखंड बोर्ड ने हाई स्कूल के छात्र छात्राओं को त्रुटिपूर्ण मार्कशीट और प्रमाण पत्र बांट दिए हैं। मामले की जानकारी पर बोर्ड अब इन्हें स्कूलों से वापस मंगवा रहा है। कोरोना को लेकर बड़ी खबर आई है, एक ही जांच में महिला की 2 रिपोर्ट निगेटिव लेकर के विदेश चली गई। तो दून में कोरोना की जांच के नाम पर गड़बड़ झाला चल रहा है। दून की प्राइवेट लैब ने एक महिला के एक ही सैंपल की 2 जांच रिपोर्ट दे दी। इनमें से एक में वह पॉजिटिव बताई गई, जबकि दूसरी में निगेटिव रिपोर्ट के आधार पर महिला विदेश जा चुकी है। हालांकि यह खुलासा होना बाकी है कि वह कोरोना निगेटिव है या पॉजिटिव। मामले में स्वास्थ्य सचिव से लैब की शिकायतें की गई हैं।
खबर आई देहरादून से, जहां पे पुजारी संक्रमित, टपकेश्वर मंदिर बंद कर दिया गया। तो गढ़ी कैंट स्थित टपकेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद मंदिर को अग्रिम आदेशों तक बंद कर दिया गया है। उधर जिले में सोमवार को 27 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। देहरादून में सेब से महंगा बिक रहा है टमाटर। तो शहर में टमाटर के दाम एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। बाजार में हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी के सेब से अधिक टमाटर के दाम हो गए हैं। सोमवार को सेब जहां सबसे कम दाम 50 रुपये प्रति बिक रहा था, वहीं टमाटर 60 रुपये किलो मिल रहा है। केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश की दूसरी सूची जारी। तो केंद्रीय विद्यालयों में पहली कक्षा में एडमिशन के लिए सोमवार को दूसरी सूची जारी कर दी गई है। दून विश्वविद्यालय में सेमेस्टर का रिजल्ट जारी कर दिया गया। तो दून विश्वविद्यालय में कोरोना महामारी के चलते प्रमोट किए गए इंटरमीडिएट सेमेस्टर का रिजल्ट जारी कर दिया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ए के कर्नाटक ने बताया कि महामारी के चलते यूजी पीजी में इंटरमीडिएट सेमेस्टर को आंतरिक मूल्यांकन और पिछले सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली के आधार पर प्रमोट किया गया है। तो उत्तराखंड में आप पार्टी भी चुनावों को लेकर के लगातार तैयारी कर रही है। तो आपने ऑडियो संदेश जारी किया। तो नमस्कार जी, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ जी। दिल्ली का मुख्यमंत्री, परिवार में किसी को कोरोना तो नहीं हुआ? हमने दिल्ली में कोरोना से लड़ने को बहुत काम किया है, जिससे बहुत सुधार हुआ है। दिल्ली में भाजपा कांग्रेस को लोगों ने अपनी पार्टी बनाकर हराया है। उत्तराखंड भी बदल सकता है, यहाँ भी स्कूल अस्पताल अच्छे हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से सोमवार को कुछ इस तरह का एक मिनट का ऑडियो संदेश जारी किया गया। प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने प्रेस वार्ता के दौरान इसे लॉन्च करने की जानकारी दी। ऑडियो मैसेज फोन के जरिए आप जन जन तक पहुंचा रही है। इस दौरान वरिष्ठ नेता उमा सिसोदिया और विपिन खन्ना भी मौजूद रहे। कॉलेजों में मेरिट लिस्ट कर दाखिले की तैयारी। तो दून में प्रमुख पीजी कॉलेज में सोमवार को प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि समाप्त हो गई। अब कॉलेजों में मेरिट जारी कर दाखिले शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। मसूरी में विरोध के बीच हटाया गया अतिक्रमण। तो मसूरी दून मसूरी रोपवे के लिए मसूरी के सिफन कोर्ट स्थित अतिक्रमण को भारी विरोध के बीच हटना शुरू कर दिया गया। पहले दिन 10 ऐसे घरों को तोड़ा गया जिनमें कोई नहीं रह रहा था। हाईकोर्ट ने यहां रह रहे 80 परिवारों को कोई राहत नहीं मिलने के बाद प्रशासन ने सोमवार सुबह यह कार्रवाई शुरू कर दी। इधर खबर आई है, पीएचडी एमबीए बीएड की प्रवेश परीक्षा को आवेदन शुरू हो गए हैं। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने पीएचडी एमबीए बीएड और स्पेशल बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। परीक्षा के लिए आवेदन विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से 30 सितंबर तक किए जा सकते हैं। हालांकि अभी परीक्षा तिथि घोषित नहीं की गई है। विधायक महेश नेगी ने प्रदेश अध्यक्ष के सामने रखा पक्ष। तो द्वारा हट के भाजपा विधायक महेश नेगी ने कहा कि मैं किसी भी जांच के लिए तैयार हूं, मुझे एक महिला द्वारा साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, इसमें कुछ कांग्रेसी नेता भी शामिल हैं, मैं जल्द ही सभी साक्ष्य लेकर मीडिया के सामने आऊँगा। ये बातें महेश नेगी ने सोमवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत से कही है। खस्ता हाल सड़क के खिलाफ चक्का जाम, 26 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो अल्मोड़ा से खबर है, जहाँ पे नगर समेत आसपास की सड़कों को दुरुस्त करने की मांग को लेकर के कांग्रेस नेता पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने के नेतृत्व में लोगों ने सोमवार को एनडीटी चौराहे पर 1.5 घंटे चक्का जाम किया। सीएम का गांव खैरासैंण बनेगा एडवेंचर टूरिज्म का केंद्र। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का गांव खैरासैंण एडवेंचर टूरिज्म का केंद्र बनेगा। सरकार 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना के तहत खैरासैंण को साहसिक पर्यटन के लिए विकसित कर रही है। बात करते हैं देहरादून की खबरों की। तो सिफन कोर्ट में प्रशासन ने ध्वस्त किए 15 मकान। सीएम के निर्देश पर बाकी परिवारों को 10 दिसंबर तक जमीन खाली करने की मोहलत दी गई है। राज्यपाल कल झाझरा का निरीक्षण करेंगी। इसी के साथ खबर आई है, 31 दिसंबर तक बढ़ी डीएल परमिट फिटनेस की वैधता। तो अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही गाड़ियों की परमिट फिटनेस पंजीकरण की वैधता 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो चुकी है, तो इसको लेकर के चिंता करने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय ने कोरोना संकट के मद्देनजर इसकी वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है।
लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कर सकेंगे आवेदन। तो कई माह से नए लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का इंतजार कर रहे चालकों के लिए यह खबर राहत देने वाली है। वे अब इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद प्रक्रिया पूरी होने पर उन्हें लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। देहरादून से खबर है जहाँ पे जिले में 2 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। तो गायत्री एनक्लेव बादरीपुर व विकास नगर में कल्याणपुर गीता भवन मार्ग को पाबंद कर दिया गया है। खतरे के बीच काम करने को कर्मी मजबूर हैं। तो राजकीय दून मेडिकल अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित किए जाने के बावजूद टीबी नियंत्रण विभाग में लगभग 10 कर्मचारी वहीं पर काम करने के लिए मजबूर हैं। एम्स ऋषिकेश में कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की मौत हो गई है। दून अस्पताल में कोरोना मरीजों के 200 बेड फुल हो गए हैं। आज दून सहित 3 जिलों में भारी बारिश की संभावना। तो मौसम विभाग ने मंगलवार को देहरादून सहित 3 जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश की आशंका जताई है। इसके मद्देनजर विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। जल्द शुरू हो सकता है बसों का अंतर्राज्यीय संचालन। तो केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को भेजी गई एडवाइजरी में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की आवाजाही पर रोक नहीं लगाने संबंधी फैसले के बाद परिवहन निगम को अंतर्राज्यीय बसों के संचालन को लेकर के उम्मीद जगी है। अधिकारियों ने बसों के संचालन की तैयारियाँ भी शुरू कर दी हैं। ट्रेन से आए पान मसाले को आज जब्त करेगी SIB। तो जन शताब्दी एक्सप्रेस में अवैध तरीके से दिल्ली से दून लाया गया था सामान। किट्टी संचालक दंपति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तो किट्टी चलाने वाले एक सराफ दंपति के खिलाफ लोगों ने धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। तो खबर पटेल नगर से आई है। 40 लोगों को घायल कर चुका उत्पादी बंदर पकड़ा गया है। तो ऋषिकेश से सटे श्यामपुर क्षेत्र में पिछले 2 महीने से ग्रामीण रागिरों के लिए परेशानी का सबब बने उत्पादी बंदर को देहरादून से गई रेस्क्यू टीम ने पकड़ लिया। 10 घंटे बंद रहा कालसी चक्राता मार्ग। तो जजरेट के पास मलवा आने से लोगों को करना पड़ा दिक्कतों का सामना। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो संघ लोक सेवा आयोग UPSC में वैकेंसी निकली हुई है। तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर के अलग अलग पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पद इसमें 36 हैं और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन upsconline.nic.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 10 सितंबर तक रखी गई है। वहीं असिस्टेंट स्टेनोग्राफर सहित कई पदों पर मौका। तो नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन में वैकेंसी निकली हुई है NCT के तहत। तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें टोटल जो पद हैं वो 18 हैं। तो NCT की ऑफिशियल साइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 19 सितंबर तक रखी गई है। अप्रेंटिस सहित कई पद रिक्त। तो 2000 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में। तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 5 सितंबर रखी गई है। वहीं भारतीय वन्य जीव संस्थान में रिसर्च के पद पर आवेदन कर सकते हैं। टोटल पद यहाँ पे 36 हैं। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। अंतिम तिथि 28 अगस्त है। तो खबर है हल्द्वानी से जहाँ पे कोरोना संक्रमित के हंगामे पर दौड़े अफसर। तो बद्रीपुरा में कोरोना पॉजिटिव मरीज ने सोमवार को माइक्रो कंटेनमेंट तोड़ करके 1.5 घंटे तक जमकर उत्पात मचाया। लोगों के घरों की घंटी बजा करके अपने को कोविड पॉजिटिव बताया तो मोहल्ले के में हड़कंप मच गया। सिटी मजिस्ट्रेट तक मामला पहुंचने पर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दंपति को एम्बुलेंस में ले जा करके कोविड केयर में भर्ती कराया। आदेशों के पालन की प्रगति रोज देखी जाएगी ऑनलाइन। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को सचिवालय में ई मीटिंग सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया। ई मीटिंग सॉफ्टवेयर एक स्मार्ट मीटिंग मैनेजमेंट सिस्टम है जिससे मुख्यमंत्री कार्यालय एवं सचिवालय में होने वाली बैठकों का और बेहतर तरीके से आयोजन किया जा सकेगा। बागवान से शिवपुरी के बीच बड़ा खतरा। तो ऑल वेदर रोड परियोजना के काम से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे संवेदनशील हो गया है। अवैध खनन में ठेकेदार पर 2 लाख का जुर्माना लगाया गया। तो गैरसैंण से खबर है जहाँ पे गैरसैंण पटियाला मार्ग पर डामर बिछाने के लिए किया जा रहा था खनन, तहसील प्रशासन ने कार्रवाई की है। वहीं खबर आई है अपहरण और दुष्कर्म के मामले में 10 साल कारावास की सजा। तो 2 साल पुराना मामला पिता ने दर्ज कराया था मुकदमा। तो खबर है उत्तरकाशी से जहाँ पे किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के 2 साल पुराने एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। मौज मस्ती के लिए घाट पहुंचे युवाओं को महिलाओं ने खदेड़ा है। तो कोटद्वार दुर्घटना से खबर है जहां पे पुलिंदा के बाद उमरेला गांव ग्राम पंचायत की महिलाओं ने भी क्षेत्र में मौज मस्ती के लिए पहुंचने वाले लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
गंगा भागीरथी में जमा मलबा परियोजना के लिए खतरा, तो पत्रकार वार्ता में बोले भागीरथी नदी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, गंगा घाटी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की जा रही है महायोजना। वहीं खबर आई है रुद्रप्रयाग गोपेश्वर से, जहां पे 3 पुलिसकर्मियों सहित 7 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसमें टिहरी की बात करें, टिहरी में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग में 8, चमोली में 3 केस सामने आए हैं। श्रीकोट बाजार बंद, श्रीनगर सब्जी मंडी को सील कर दिया गया। तो श्रीनगर में 7 कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं, इनमें 2 राजकीय मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी हैं। वहीं श्रीकोट गंगा नाली में एक रेस्टोरेंट कर्मचारी के पॉजिटिव निकलने के बाद 3 दिन के लिए बाजार को बंद कर दिया गया है। कर्णप्रयाग से खबर आई, जहां पर मास्क नहीं पहनने पर 22 लोगों का चालान किया गया है। खबर है उखीमठ जखोली से, जहां पे ग्वाड़ ढिकला में प्रभावित 8 परिवारों ने घर छोड़ दिए हैं। 100 करोड़ से सुधरेगी हेलंग जोशीमठ सड़क, तो हेलंग जोशीमठ सड़क के चौड़ीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 4 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचाया अस्पताल। तो खबर है गोपेश्वर से, जहां पे आपदा से बंद सड़कें लोगों की जान पर भारी पड़ने लगी हैं। ठेली गांव में पत्थर की चपेट में आए घायल को ग्रामीणों ने 4 किलोमीटर तक कुर्सी पर कंधे के सहारे सड़क तक पहुंचाया। खबर है कोटद्वार से, जहां पे मेडिकल कॉलेज के लिए 20 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां पे मदोला में युवाओं ने मशक्कत के बाद मलबे से निकाले वाहन। उर्गम घाटी की नंदा स्वनूल लोकजात यात्रा शुरू हो गई है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो हरिद्वार से खबर है, जहां पे बदले व्यवहार ने दिलाए चैंपियन को अभयदान। 44.83 करोड़ रुपए से सुधरेगी जिले की सूरत। तो जिला योजना की बैठक में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट पास हो गया है। वर्ष 2016 से 4 करोड़ कम होने पर आपत्ति भी जताई गई है। अब ड्रोन से होगी राजाजी पार्क की निगरानी। तो राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क कर्मचारी अब पार्क की संवेदनशील सीमाओं पर ड्रोन से नजर रखेंगे। पीएनबी की मुख्य शाखा में 12 कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो पीएनबी की भेल स्थित तो मुख्य शाखा में 12 नए मामले सामने आए। इसी कार्यालय के साथ बैंक की शाखा को पाबंद कर दिया गया। वहीं 131 नए केस 18 से संपर्क नहीं हो पाया है। खबर आई है, 3 सिपाही समेत 11 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो मंडावार चेक पोस्ट और एसपी कार्यालय में ड्यूटी पर थे संक्रमित सिपाही। अब कुछ देर में ही पकड़ा जाएगा पीसीबी का फॉल्ट। तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय पूर्व छात्र एवं विश्वविद्यालय के इंजीनियर संकाय के तथा शिक्षक विवेक आर्य ने इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में एक उल्लेखनीय तकनीकी खोज लिया है। इस खोज से चंद सेकंड में ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के पीसीबी में आए फॉल्ट का पता लगाया जा सकता है। यूथ कांग्रेस ने किया भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन। तो बदहाल सड़क की मरम्मत की उठाई मांग, फर्जी कागजों पर ऋण लेने वाला को धरा गया है। तो खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे धोखाधड़ी और कूट रचित दस्तावेज से 2 ट्रैक्टरों के लिए ऋण लेने के आरोप में फरार इनामी पवन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रास्ता नहीं खुला तो शहर में लग जाएंगे कूड़े के ढेर। तो विरोध के चलते सराय में 1 माह से बंद है ट्रचिंग ग्राउंड का रास्ता। इस बार 4 किस्तों में फीस जमा कर सकते हैं छात्राएं। तो सेल्फ फाइनेंस सीटों पर एडमिशन लेने वाली छात्राओं को राहत मिलेगी। तो कोरोना के कारण एसडी गर्ल्स पीजी कॉलेज ने सेल्फ फाइनेंस सीटों पर एडमिशन लेने वाले छात्राओं को राहत दी है। कॉलेज प्रबंधक ने निर्णय लिया है कि छात्राएं 4 किस्तों में फीस जमा कर सकती हैं। एसडी कॉलेज में प्रवेश को 27 तक कराएं पंजीकरण। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो अंधेरे में भी जल रही है उम्मीदों की रोशनी। तो हल्द्वानी में राज्य का पहला मिट्टी संग्रहालय। तो मिट्टी का पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन मिट्टी की उर्वरकता में लगातार गिरावट आ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी ने मिट्टी संग्रहालय बनाया है। UOU के विभिन्न कोर्सों के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में PhD सहित 21 विषयों की 67 सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले में आउटलेट में बिकेगी मछली के व्यंजन। तो खबर है ये भीमताल से। नैनीताल से खबर है, जहाँ पे 1 सितंबर से होगा नौकायन।
तो नगर में घूमने आने वालों सैलानी को जल्द ही नौकायन का आनंद ले सकेंगे। इस संबंध में सोमवार को नाव संचालन समिति के पदाधिकारियों ने पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी और ईओ अशोक वर्मा से मुलाकात की, साथ ही नौका संचालन के लिए अनुमति मांगी। वहीं खबर आई है 56,000 विद्यार्थियों को डिग्री कॉलेजों में दाखिला चाहिए। तो हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पर कुमाऊं विश्वविद्यालय में से जुड़े डिग्री कॉलेजों में नए सत्र प्रवेश के लिए अब तक करीबन 56,000 विद्यार्थी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। स्वरोजगार योजना के लिए लंबी कतार, तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए सोमवार को ऑनलाइन साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार के लिए बेरोजगारी की लंबी कतार लगी रही। जिले में 110 के आवेदन मंजूर हुए हैं। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो कुमाऊं से खबर है, जहाँ पे सामाजिक दूरी के साथ निकाली झांकी, माँ गौरी की स्थापना की गई। सताने लगी भविष्य की चिंता, तो खबर आई है पिथौरागढ़ मुंशिया से, जहाँ पर स्कूलों पड़ोसियों के यहाँ शरण लिए हुए हैं आपदा प्रभावित। तो राहत केंद्रों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों के घरों में शरण लिए हुए आपदा प्रभावितों को भविष्य की चिंता सताने लगी है। आपदा प्रभावितों का कहना है कि आपदा ने उनके सब कुछ छीन लिया, अब रहने के लिए घर भी नहीं बचा, ऐसे में उनका और उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। सेनरगाड़ में नदी से गिरने से बाल बाल बचा युवक, तो खबर है पिथौरागढ़ से, जहाँ पे मुंशियारी के सेनरगाड़ में पैदल पुल न होने से लोग जान जोखिम में डाल करके आवागमन कर रहे हैं। आपदा पीड़ितों का पानी के लिए प्रदर्शन हुआ है, तो धारचुला से खबर आई है, लॉकडाउन में घर लौटे प्रवासियों के बच्चे लेंगे दाखिला। तो बच्चों की कम संख्या के चलते 2018 में बंद कर दिया गया था विद्यालय, अब एक बार फिर से इस विद्यालय को खोला जाएगा। पूर्व विधायक की आंदोलन की चेतावनी, तो बंदसा में प्रस्तावित संयुक्त जाँच चौकी निर्माण को लेकर के ग्रामीणों में रोष है। वही खबर है अस्कोट पिथौरागढ़ से, जहां पर चरस के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पारिवारिक कला से युवक ने दी जान, तो चंपावत से खबर है, जहां पे खरही गांव में एक विवाहित युवक ने जहर खाकर के जान दे दी। मनरेगा में रोजगार दिवस बढ़ाएं, तो ग्राम प्रधान ने SDM के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा, तो चंपावत से खबर आई है। पिथौरागढ़ में पार्किंग शुरू न होने से गुस्साए कांग्रेसी, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शीघ्र मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। चंपावत में पुलिस जलागम कर्मी सहित 9 और कोरोना संक्रमित मिले हैं, तो इसमें टनकपुर में 8 माह की गर्भवती समेत 4 संक्रमित मिले हैं। वहीं टनकपुर का इमली पड़ाव वार्ड कंटेनमेंट जोन से मुक्त हो गया है। किट की कमी से कोरोना जांच की गति हुई धीमी, तो प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक कर रहा है, लेकिन कोरोना सैंपलिंग के लिए पर्याप्त किट न होने से लोगों की जांच वंचित हो रही है। सांकेतिक रूप से ही होगी हिल यात्रा, तो इस साल लोक पर्वों पर भी कोरोना की मार पड़ी है। पिथौरागढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही कनाली छिन्ना समेत अन्य स्थानों पर ही हिल यात्रा सांकेतिक रूप से मनाने का निर्णय लिया गया है। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की, तो उधमसिंह नगर से खबर है, जहां पर केंद्र के आदेश राज्य में लागू नहीं, सीमा पर लोग हो रहे हैं परेशान। तो केंद्र सरकार की ओर से अंतर्राज्यीय, अंतर जनपदीय और अंतर्राज्यीय आवाजाही के लिए अनुमति की वैधता खत्म करने को लेकर जारी आदेश जिले में लागू नहीं हो सका। केंद्र की ओर से जारी आदेश का पालन करने के लिए राज्य सरकार की ओर से निर्देश नहीं होने की वजह से जिले के बॉर्डर पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि यूपी से लगे रुद्रपुर और रामपुर बॉर्डर सहित अन्य बॉर्डरों पर सैकड़ों वाहन पहुंच रहे हैं, लेकिन बिना पास आ रहे हैं, उनको लौटाया जा रहा है। सोमवार को रामपुर बॉर्डर में बिना परमिशन के आए वाहन चालकों को पुलिस कर्मियों ने पहले 2 घंटे तक रोके रखा और फिर लौटा दिया। राज्यों के बीच आवाजाही की नई SOP नहीं हो पाई जारी, तो CM ने कहा राज्य की परिस्थितियों के आधार पर लिया जाएगा फैसला। SPO ने की मनमानी तो तत्काल हटेंगे, तो SSP दलीप सिंह कुंवर ने 2 टूक में कहा कि अगर SPO ने मनमानी की तो तत्काल हटाया जाएगा। स्पेशल पुलिस अफसर बनाने का उद्देश्य कोरोना काल में लोगों की समस्याओं का निराकरण करना था, झूठे मुकदमे में फंसाने का रौब दिखाने और हाथापाई करने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। 104 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो खबर आई है उधमसिंह नगर से।
20 गांवों की भूमि का मामला विधानसभा में उठेगा, तो हृदय तो नेता प्रतिपक्ष बोली बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के हल्द्वानी में 27 को उपवास और धरना करेंगे। वही खबर है रुद्रपुर से, जहां पे दुष्कर्म के आरोपी के चेहरे पर काली कपोत घुमाया गया है। तो पहाड़गंज में एक घर में आए मेहमान पर बेटी से दुष्कर्म करने का आरोप लगाकर के परिजनों ने उसे जमकर पीटा, बाद में आरोपी के चेहरे पर काली पोत कर पूरे मोहल्ले में घुमा दिया। सड़क पर बने गड्ढों में बैठकर के प्रदर्शन किया गया, तो ग्रामीणों ने सड़क की मरम्मत नहीं होने पर आंदोलन यहां की चेतावनी दी है। वही खबर है नानक मत्ता से, जहां पे फंदे पर लटका मिला महिला का शव, तो अज्ञात कारणों के चलते एक महिला का शव घर में फंदों से लटका मिला। वही खबर है जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखा रवाना किया गया है। तो रुद्रपुर से खबर है जहां पे कोविड 19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए डीएम रंजना राजगुरु ने कलेक्ट्रेट परिसर से जागरूकता रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। और रुद्रपुर से खबर है जहां पे अपराध सुपरवाइजर ने कर्मचारी से सांठ गांठ कर बेच दी 22 पेटी क्रीम। शिक्षक अभिभावकों में कटुता बनाने का आरोप लगाया गया है, तो सितारगंज से खबर आई है।